हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिंपल। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मज़ेदार सी चटपटी सी दही पूरी बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं बॉयल आलू, बॉयल करे हुए आलू। ये बॉईल करे हुए आलू को आप छोटे छोटे पीस में कट कर सकते हो या तो मैश भी कर सकते हो। तो उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसे हम रखेंगे साइड में। उसके बाद हमें लेने हैं बॉईल करे हुए चने। इसके अंदर मैंने बॉईल करते समय ही नमक डाल दिया था और आप चने की जगह पे मूंग भी ले सकते हो। तो इसे आप पहले ही बॉईल कर रख लेना। उसके बाद हमें लेनी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। उसके बाद हमें लेनी है लाल मिर्च की तीखी वाली चटनी। उसके बाद हमें लेनी है बारीक बेसन की सेव। उसके बाद हमें लेना है दही। दही के अंदर हम पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। हमें इसके अंदर खड़ी चीनी नहीं डालना है, क्योंकि हम खड़ी चीनी डालेंगे तो हमारा जो दही है वो पानी छोड़ देगा। तो आप दही में स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हो। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मसाला रेडी करा है। इस मसाले के अंदर मैंने काला नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके एक मसाला रेडी करा है। उसके बाद हमें लेनी है बारीक कटी हुई प्याज। उसके बाद हमें लेने हैं इस तरह की पूरी। ये पूरी को मैंने घर पर ही फ्राई किया है। इस पैकेट के अंदर इस तरह की पूरियाँ मिलती है, तो आप इसे फ्राई करोगे तो ये पूरियाँ एकदम क्रिस्पी और क्रंची रहती है। तो आप भी इस तरह से फ्राई कर ले सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी बातें कि दही पूरी के लिए हमें पहले से ही क्या क्या तैयारी करनी है। तो अब चलते हैं हम दही पूरी बनाने के लिए। तो सभी पूरियों के अंदर हम इस तरह से एक होल बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सभी पूरियों में होल बना लिए हैं। उसके बाद हमें सभी पूरियों के अंदर अब हम दही पूरी बनाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम सभी पूरियों के अंदर ये बॉईल करे हुए पोटैटो ऐड करेंगे। उसके बाद हम सभी पूरियों के अंदर चने ऐड करेंगे। उसके बाद हम सभी पूरियों के अंदर कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ये हमने तीखी वाली चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर आप तीखा ना पसंद करते हो तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम ऐड करेंगे इमली की चटनी। उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक बेसन की सेव। उसके बाद हमने जो मसाला रेडी करा था वो इस पे छिड़केंगे। उसके बाद हम लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे हमारा दही, जो हमारा मेन पर्पस है, दही पूरी। उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर बारीक बेसन की सेव डालेंगे और फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा वापस से दही। तो इस तरह से हमारी दही पूरी रेडी हो चुकी है। आप इसे सर्व कर सकते हो।